दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं आधार कार्ड के पासवर्ड के बारे में। कई बार होता क्या है, जब भी अपन ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तब अपन से पासवर्ड के लिए बोलता है और अपन पासवर्ड नहीं पता होता है, तो इस कारण से अपन आधार कार्ड को नहीं देख पाते हैं। दूसरी कंडीशन दोस्तों तब होती है जब अपन आधार कार्ड बनवाते हैं, जब बनने के बाद वो अपनी मेल आईडी पे आता है तब उसको अपन डाउनलोड करते हैं, तब भी दोस्तों उसके बाद भी डाउनलोड करने बाद भी पासवर्ड मांगता है, तब भी अपन को नहीं पता होता है इसमें पासवर्ड क्या डालना है। दोस्तों आज आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कैसे आप अपने आधार कार्ड में पासवर्ड डालें और क्या पासवर्ड डालें जिससे आपका आधार कार्ड ओपन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सर्जरी में स्वागत करता हूं। चलिए सीखते हैं। दोस्तों ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है और ये ही मेरी मेल आईडी पे आया हुआ था, मतलब सेम काफ़ी है, मेरी मेल आईडी पे भी यही था और मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करा वो भी यही है। दोस्तों आप इसको अपन ओपन करेंगे, जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखिए दोस्तों आपके सामने ऐसा देखने को मिलता है, कोई सा भी अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तब भी ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आप जब बनवाते हैं तब वो आपकी मेल आईडी भेजते हैं तब भी आप उसको ओपन करेंगे तब भी वो ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों अब इसमें दोस्तों क्या है मैं आपको बताऊंगा, ओपन करते हैं अब इसमें कुछ भी पासवर्ड डालेंगे, जैसे अंकित खोलेंगे नहीं खोलेगा, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 नहीं खोलेगा कुछ भी। तो अगर आप पता ही नहीं है पासवर्ड अपन क्या डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें तब भी नहीं खुलेगा, ये देखिए दोस्तों। तो आपको ये पता ही नहीं है पासवर्ड तो कैसे खोल पाएंगे, आज के इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंकित है, जो आपके आधार कार्ड में नाम लिखा लिखवाया आपने, जो भी आपने नाम लिखवाया है उस नाम के दोस्तों आपको 4 अक्षर लेना है शुरू के, कैपिटल मतलब कि बड़े अक्षर लिखना है। तो पहले अपन कीवर्ड को बड़ा कर देंगे, तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंकित है तो मैं सिर्फ ओनली 4 अक्षर लिखूंगा पहले नाम के, ANKIT ये लिख दिया दोस्तों। आपका नाम जो भी हो अशोक हो तो उसके अशोक के आप 4 अक्षर शुरू के लिखिएगा, राहुल है तो आप राहुल के नाम अक्षर लिखिएगा, चार ओनली 4 अक्षर लिखना चाहिए दोस्तों, 4 अक्षर लिख दीजिएगा, इसमें 5 लिख दिए शायद, ये 4 है दोस्तों, ये देखिए फिर से लिखता हूँ मैं ANKIT अंकित अंकित इतना लिखना, 4 अक्षर लिख दिया अपने नाम के। उसके बाद उसको करना क्या है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो सन आपकी डली हुई आधार कार्ड के साथ, जन्म जब भी हुआ है, जैसे मान लो मेरा 1995 में हुआ है तो यहाँ पे 1995 लिख दूंगा 1995। दोस्तों आपकी जो भी सन है वो लिखना है, आपको अपने नाम का 4 अक्षर लिखना है बड़े अक्षरों में, उसके बाद आपकी सन 1993 तो 1993 लिखेगा, 94 94 लिखेगा, 95 तो 95 लिखेगा, जो भी आपकी सन हो वो लिखना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा फिर से, आपके नाम के 4 अक्षर बड़े होना चाहिए कैपिटल, वो लिखने के बाद आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, फिर आपको अपनी जॉब की डेट ऑफ बर्थ है उसकी सन लिखना है ना, वो लिख के आप इसको ओपन कीजिएगा। तो मैंने डाल दिया, आपने देखो फिर से दिखाता हूँ के लिए, ये मैंने आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये ANKIT ये हो गया मेरा नाम के 4 अक्षर, अब सन लिखूंगा 1995 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अब मैं इसको ओपन कर दूंगा, देखिए दोस्तों ये मेरा आधार कार्ड ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं है दोस्तों। इस तरीके से तो आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीख गए होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे आधार कार्ड में क्या पासवर्ड डालना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।